नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित न्यूज में। मैं हूँ सपना सिंह। आज से दिल्ली नगर निगम चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य पार्टियां और कई निर्दलीय पार्टियां भी चुनावी मैदान में शामिल हो गए हैं। भाजपा ने अकाली दल को 5 सीटें दी हैं। देखिए निगम चुनावों पे जनहित की ये खास रिपोर्ट। बीजेपी के नॉमिनेशन के आखिरी दिन और आखिरी समय तक टिकट की घोषणा के बीच नामांकन सेंटर पर भारी भीड़ नजर आई। नॉमिनेशन का आखिरी दिन, ऐसे में हर एक पार्टी के प्रत्याशी बस जल्द से जल्द अपने नामांकन को भरने में लगे हुए थे। एक तरफ प्रताप नगर से युवा कांग्रेस उम्मीदवार हिमांशु पाहुजा ने नामांकन भरा, वहीं दूसरी तरफ अकाली उम्मीदवार अमरजीत सिंह पप्पू ने भी नामांकन भरा। साथ ही सुभाष नगर से कांग्रेसी प्रत्याशी ने भी नामांकन भरा। आज कांग्रेस पार्टी ने हमें एक मौका दिया दिल्ली में चुनाव लड़ने का, इस एमसीडी का चुनाव लड़ने का। तो आज सारे हमारे साथ तमाम रूप से क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता आज यहाँ भारी संख्या में आए हैं नॉमिनेशन भरवाने। और आज दिल्ली की जनता में उत्साह है, जोश है कि दिल्ली के अंदर विकास के लिए वो वापस कांग्रेस पार्टी का समर्थन में है। वो पिछले 10 साल की एमसीडी में भ्रष्ट बीजेपी सरकार से बड़ा दुखी हैं, और 2 साल में जो फर्जीवाल साहब है जिन्होंने झूठे वादे करे उनके वादों से भी दुखी हैं। तो आज लोगों को दिल्ली के अंदर विकास की सख्त जरूरत है। जो विकास पिछले कई वर्षों से दिल्ली में ठप पड़ा है वो एमसीडी में जब कांग्रेस आएगी और वो विकास दोबारा शुरू होगा। यंग नौजवानों को भी इस बार टिकट मिल रही है, क्या? देखो जी, इसके लिए हम राहुल जी, अजय माखन जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने युवाओं को आगे आने का मौका दिया दिल्ली में। मैं अपने आप को इतना खुशनसीब समझता हूँ कि दिल्ली में सबसे छोटी उम्र में कांग्रेस पार्टी से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला, और मैं यकीन से दावा करता हूं कि इस जो मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया ये व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और हम अपने क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का झंडा लहरा कर रहेंगे और विजय प्राप्त कर रहेंगे। आज श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी दे अलायंस दी जड़ी एस 11 चो दास नूं टिकट सांझे उम्मीदवार दे तौर ते मिली है। मैं यही कहना चाहना कि असी सेंटर दे अंदर भी भाईवाल हाँ मोदी सरकार विच, और इत्थे दिल्ली सरकार जो केजरीवाल ने भ्रिष्टाचार और जो बोलचाल दे नाल जो वादे किए वो अजे तक पूरे नहीं हुए, इन्हां नूं दूर करन लई एक बारी फिर दिल्ली दे अंदर एमसीडी दे अंदर बीजेपी दी सरकार आनी चाहिए है, और दिल्ली दी जो समस्यावां ने सारियां बीजेपी दूर करेगी। और मैं आस करना कि जेड़े सांझे तौर ते मैनूं इत्थे उम्मीदवार बनाया गया वार्ड नंबर 11 दी संगत जो है पूरी वध चढ़ के वोटां पा के बीजेपी ते अकाली गठबंधन नूं जरूर विजाई। मेन मुद्दा साडा जेड़ा हैगा सफाई दा हैगा। सफाई तो बाद जेड़ी कार पार्किंगा बनानियां ने और पार्का दी और सुंदरीकरण करना, ये मेन मुद्दे ने। आज के लिए बस इतना ही। हम आपको निगम चुनाव से जुड़ी हर खबर दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए जनहित न्यूज।